हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक एजुकेशन। सो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आया है कि 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को इंडिया ने बैन कर दिया है, और ये जानकारी हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके दिए हैं कि इंडिया में अब से इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड शेयर इट और हमारे ये कैम स्कैनर, सो ये सबको बैन कर दिया गया है। ये लिस्ट हम आगे देखेंगे। सो ये है ट्वीट जो रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है, और इन्होंने रीजन क्या दिया है, फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी डिफेंस सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया ऑन मोर स्पेशली प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लोग हैं उनके प्राइवेसी और जो डाटा है उसको भी प्रोटेक्ट करना इंडिया के सरकार को, सरकार का दायित्व है। ठीक है, सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 59 मोबाइल ऐप बैंड। जय हिंद। देखो रीजन तो सबको पता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, मेजर स्टेप सरकार के थ्रू लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो अपनी असलियत है अब वो दिखाना शुरू कर रहा है, तो हमारे तरफ से भी मेजर स्टेप लिए जा रहे हैं भारत सरकार के थ्रू। और ख़ास करके जब वो गलवान घाटी में जो ये हुआ जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवान ने भी उधर के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया, काफ़ी वीरता दिखाया। सो ये जो ये है हमारा, इसी वजह से अभी हमारे देश में एक बायकॉट का माहौल चल रहा है। सो इसी बीच सरकार ने एक मेजर स्टेप लिए हैं, सो हम लोग इसका वेलकम करेंगे। तो और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है, तो एक एक्ट है, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये एक्ट है 69A, 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर अंडर चेंजमेंट हुआ है, 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट में जो भी हमारे किसी भी देश का अपना अपना एक्ट होता है, उसी तरह से हमारे सेक्शंस में है कि हमारे देश के डाटा जो है सिक्योरिटी को, यदि साइबर सिक्योरिटी से थ्रेट है तो इस एक्ट में चेंजमेंट लाकर थर्ड पार्टी या किसी अदर देश के मोबाइल ऐप को बैन किया जा सकता है। सो डेट्स बाई इसी अंडर सेक्शंस के थ्रू इन 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया है। ओके, तो ये ऑफिशियल रिलीज है, डॉक्यूमेंट्स है जो सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें सारे रीजन मेंशंस हैं। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। सो देखो ये है 59, ये है 59 मोबाइल ऐप। फर्स्ट नंबर पे टिकटॉक है, क्यों? क्योंकि इसके खुद के अकेला ये 2 मिलियन, 1.5 मिलियन नहीं सॉरी बिलियन, 2 बिलियन और 1.5 बिलियन, 1500 करोड़ का ये अकेला यूजर्स जोड़ रखा था। ठीक है, सो डैट्स वाई इसे बैन करना बहुत ज़रूरी था। और इवन एप्पल ने इसके 1-2 महीना पहले भी बार बार कहते आ रहा है कि टिकटॉक हमारे जो डाटा है उसको सीक्रेटली चुरा रहा है। ठीक है, सो डैट्स वाई इसे बैन करना बहुत ज़रूरी था। देखो तो इस लिस्ट में दो नाम नहीं मिला मुझे, दो नाम, एक तो गेम जो आपका आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है पबजी और एक और जूम ऐप, ये दो हमें इसमें नहीं मिला। वो भी होना चाहिए, जूम ऐप तो होना ही चाहिए था इसमें, क्योंकि उसके खिलाफ तो होम मिनिस्ट्री ने हमारे पहले भी उसके खिलाफ लोगों को अवेयर कर चुके हैं कि ये सीक्रेटली हमारे डाटा को चुरा रहा है। तो ठीक है, सो डैट्स वाई इसमें होना चाहिए था, बस बट इस लिस्ट में नहीं है। ये 59 लिस्ट है। टिकटॉक, शेयरइट, कवाई, यूसी ब्राउजर, यूसी ब्राउजर तो बहुत पहले से हम लोग अवेयर हैं, बहुत से कम लोग यूज करते हैं यूसी ब्राउजर को। ठीक है, और कुछ जो मेजर्स हैं जो लोग ज़्यादातर यूज करते थे वो टिकटॉक और शेयरइट और एक्सजेंडर, एक्सजेंडर है, और बाकी सब जो है ये बैटरी से रिलेटेड है, बैटरी और क्लीनर और ये सेल्फी से रिलेटेड है मोर प्रोबेबली जो था ये एक तो। और ये जो ऑफिस और स्टूडेंट में के बीचों में यूज होता था वो था कॉमनली कैम स्कैनर, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। सो इसका मैं अल्टरनेट अभी बताऊंगा आपको आगे। सो ये सब जो स्वीट सेल्फी, फोटो वंडर, डीयू रिकॉर्डर, तो ये सब सरकार ने देखा कि इतनी बायकॉट के बाद भी अभी भी इंडिया में ये 59 मोबाइल ऐप लाखों, आपको आश्चर्य होगा ठीक है कि इतने बायकॉट के बाद भी लोगों के पास अभी फ़ोन में ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये ऐप है उनके मोबाइल में। ठीक है, इसलिए ये मेजर स्टेप उठाए गए। तो ये सब ये मोबाइल ऐप है 59, इसमें से यदि आपके फ़ोन में है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। तो देखो कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि अब तो बैन कर दिया सरकार ने, ऑफिशियल रिलीज भी कर दिए, लेकिन उनके मोबाइल में अभी भी वो काम कर रहा है। तो हाँ अभी अभी काम करेगा, बट अभी सरकार गूगल प्ले स्टोर से बात करेंगे और उसके बाद उनको इनके फंक्शंस को रोके जाएंगे, डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग को रोका जाएगा। और मोर प्रोबेबली सरकार को, देखो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं होगा, सरकार को इसके खिलाफ
सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, हो सके तो आप को एंड्रॉयड से बात करके इसके प्रोसेसिंग को रोकना होगा, क्योंकि जिनके फ़ोन में ऑलरेडी पहले इंस्टॉल हो गए फिर उनका क्या। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर आगे का जो इंस्टॉलिंग है, जो हम जैसे हमारे फ़ोन में नहीं है हम करना चाहते हैं तो अब नहीं होगा, लेकिन जिनके फ़ोन में ऑलरेडी है वो क्या करेंगे। तो एंड्रॉयड से बात करके, ठीक है, उनसे क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोसेसिंग को रोकना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार को फंक्शनिंग अच्छे से करना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस किया है, ये जो मेजर स्टेप लिए गए हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग है वो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और नहीं तो एग्जाम्पल जैसे रसिया में एक बार टेलीग्राम को ऐप को बैन किया गया था, तो टेलीग्राम ऐप को बैन किया गया, फिर बाद में वहाँ के जो सरकार थे उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाए, सो बाद में फिर टेलीग्राम ऐप के और उन सरकार के बीच में एक ट्रीटी हुआ और फिर उसे देश में लगा दिया गया कि आप इसे यूज कर सकते हैं। सो भारत सरकार को भी क्या करना पड़ेगा, मेजर स्टेप और भी लेने पड़ेंगे इसके आगे, ताकि लोग, और इसका अल्टरनेट भी देना पड़ेगा, इसका अल्टरनेट भी लोगों को देना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़े ना कि हम जो यूज हमारे जो काम का था आपने ऐप बंद कर दिया, अब हम लोग फिर क्या। तो इसका अल्टरनेट हमें देना पड़ेगा, भारत सरकार रिलीज कर रही है धीरे धीरे एक एक करके ऐप, तो हम लोग भारत सरकार के साथ हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम लोग योगदान करेंगे जितना से ज़्यादा हो सकेगा। सो ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इनमें से कोई भी है तो आप जल्द से जल्द इसको क्या करें, अनइंस्टॉल कर दें। तो जब हम बात कर रहे थे, अभी अभी हम आपको बात कर रहे थे, जो ये ऐप का जो बात कर रहा था मैं, वो ये है नोट ब्लॉक स्कैनर, ये एक स्पेनिश मोबाइल ऐप है और ये 100% फ्री है और मैं खुद इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। सो काफ़ी अच्छा ऐप है, स्मूथली वर्क करता है, तो आप इसे कैम स्कैनर की जगह पे इसे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो और आने वाले टाइम में सिर्फ इंडिया ही नहीं, आने वाले टाइम में आपको इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको चाइनीज मोबाइल के बायकॉट दिख सकता है। दिख सकता नहीं, ये 100% चांस है कि होगा ही होगा, क्यों, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बायकॉट जो हो रहा है अभी चाइनीज सामान का और चाइनीज मोबाइल ऐप का, तो इंडिया की खुशी की बात है, ये है हम लोग के लिए कि हम इस बायकॉट का हम लोग हिस्सा बन रहे हैं, मतलब हम लोग भी इसे लीड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट कि ये मेजर स्टेप लिए जा रहे हैं। बट मैं फाइनली यही कहूँगा कि ये स्टेप सिर्फ नोटिफिकेशन से नहीं होगा, इसके लिए भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, प्ले स्टोर से बात करने होंगे और इसकी प्रोसेसिंग को रोकने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिनके फ़ोन में इंस्टॉल है टिकटॉक है वो, क्योंकि बहुत से लोग टिकटॉक के अभी अभी भी दीवाने हैं, ठीक है, थीके? तो उनके तो प्रोसेसिंग को रोकना पड़ेगा ताकि उनके फ़ोन में यूज ना हो पाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और हाँ, आपका क्या राय है, क्या ये कदम सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव राय दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।